अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। आई होप सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी फेसबुक की फैमिली और मेरी टिकटॉक फैमिली। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। यहाँ हो रहा है हमारा ब्रेकफास्ट। बच्चों के लिए ये ब्रेकफास्ट मैं बनाती हूँ कभी कभी, के बच्चे जो हैं जब आजकल पेपर हो रहे हैं तो बच्चों को फास्ट वाला जो है ना ब्रेकफास्ट चाहिए। कोई उनको चाय, डबल रोटी, पापे, रस वगैरह नहीं खाने हैं, उसमें उनका टाइम वेस्ट होता है। तो फिर मैंने सारी चीज़ें एक ही जगह मिक्स कर दी, दूध, चीनी, डबल रोटी, अंडा, सारा। मैंने कहा चलो सब ये खाओ। फ्रेंच टोस्ट बना दिए मैंने और इनको कट कर दिया ताकि बच्चे जो है ना जल्दी जल्दी बाइट्स भी तोड़ने का इनको टाइम ना लगे और बस ये उठाकर ये मिनी मिनी से फ्रेंच टोस्ट खा लें। और यहाँ पे हो रही है आयजा की और मेरी बहस हमेशा की तरह। मम्मा हेयर स्टाइल बना दें और मम्मा सीधी पोनी बना के मैं कहती छिड़ो चलो जाओ। तो यहाँ पे जी तहरीम की बारी है। तहरीम के बाल तो लॉन्ग है माशाल्लाह, तो मैं यहाँ थोड़े थोड़े से इसकी ऑयलिंग करके रखती हूँ ताकि मुझे इजी रहे और मैं इसके बाल बना देती हूँ। आयजा के को बड़ा शौक है भाई स्कूल में हेयर स्टाइल्स बना के जाने का, तहरीम को नहीं है इतना, बट आयजा को बहुत शौक है। और यहाँ बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो उसके बाद मेरी नेक्स्ट रूटीन, डेली रूटीन है कि मुर्गियों के पास जाना। यार इतना मज़ा आता है ना इन लोगों के पास जाके। नेचर के करीब जितना आप रहेंगे ना आप पुरसकून रहेंगे। तो यहाँ जी हमारी मुर्गी ने जो है, अल्लाह ताला ने हमारी मुर्गी को 7 चूज़े अता किए और अभी जो है अंडों में से बच्चे निकल रहे थे। तो माशाल्लाह ये एक एक दिन के बच्चे हैं। कैसे अल्लाह ताला ने इनको जो है सारा कुछ सिखा कर भेजा है कि ये तुम्हारी माँ है, ये दाना है, ये पानी है। बस कितनी देर बैठ के यही सोचते रहते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहते हैं। तो अल्लाह की कुदरत को सुभान अल्लाह माशाल्लाह कहते रहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, मुझे रमज़ान की थोड़ी सी तैयारी करनी थी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ, हाँ चिकन नगेट्स बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने 8 ब्रेड लिए थे, उनके साइड्स को मैंने कट किया था और जो साइड से कट किए थे उनको मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिया था। और मैं इस तरह से ब्रेड क्रम्स को थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ, इस तरह से ये क्रिस्पी हो जाते हैं और जैसे क्रंची क्रंची सा लुक क्रंची क्रंची सा जो है ना आपके नगेट्स बनते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने ब्रेड लिए हैं 8 और उनको चॉपर में डाल के मैंने चॉप कर लिया है। और चॉप करने के बाद मैं थोड़े से ब्रेड क्रम्स इसलिए निकाल रही हूँ ब्रेड के, क्योंकि मेरा चॉपर छोटा है तो मैं 2 दफ़ा इसको जो है ना वो करूँगी, चॉप करूँगी। यहाँ मैंने आधा किलो जो है चिकन लिया है और लहसुन अदरक ऐड कर दिया है। और यहाँ मैं डालूँगी जी पेपरिका पाउडर और यहाँ मैं ऐड करूँगी चिकन पाउडर। चिकन पाउडर आप डाल के ज़रूर देखिएगा, इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जी काली मिर्च का पाउडर। और यहाँ ये मुझे जब तक मैं एक्स्ट्रा मसाले ना डालूँ मुझे तो सुकून ही नहीं मिलता। अच्छा यहाँ पे मैं नमक ऐड कर रही हूँ, नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। अच्छा यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ जी मेन इंग्रेडिएंट्स हैं ये इसके, और वो है जी सोया सॉस। सोया सॉस आप ज़रूर ऐड करिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। और इसको बहुत अच्छी तरह आपने जो है ना चॉप कर लेना है, बिल्कुल इसको पेस्ट की तरह बना लेना है गोश्त को। तो मैं यहाँ पे 2 दफ़ा बना रही ये कर रही हूँ चॉप। आप लोगों का अगर चॉपर बड़ा है तो आप एक दफ़ा में ही इसको चॉप कर सकते हैं। मैंने ज़रा स्यापा पे है मेरा चॉपर छोटा सी तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। बहरहाल अल्लाह ताला का शुक्र है हो गया काम। और हाथों में को थोड़ा सा ऑयलिंग कर लीजिएगा और चिकन नगेट्स जिस तरह की शेप आप लोगों को पसंद है आप बस उस तरह की बना लें। और यही जो मेथड है ना आपने चिकन पैटी जो हम बनाते हैं मार्केट से भी मिलती है, सेम मेथड होता है। और बस ये होता है कि शामी कबाब की तरह वो बना लेते हैं शेप। अच्छा जी यहाँ पे एक अंडा लिया है मैंने और इसमें मैंने काली मिर्च ऐड किए हैं और थोड़ा सा नमक ऐड किया है और मैंने इसको अच्छी तरह फेंट लिया है। और चिकन नगेट्स के जो ये शेप है ना मुझे बस यही शेप पसंद है। मैंने इंज लगता है जैसे ए शेप होएगी तो नगेट्स लगनगे तो और शायद हमने शुरू में ही ये इसी तरह की शेप देखी है तो वो जहनों में बैठ गई है। अच्छा जी यहाँ मैंने कहा चलो थोड़े से टेस्ट भी कर लेते हैं
टेस्ट तो करना बनता है ना यार। तो हमने यहाँ पे जो है इनको टेस्ट करने के लिए पकाया है, और पकाने का आपको मेथड मैं बता दूँ कि आपने इसको मीडियम आंच पे पकाना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना है। तो क्योंकि ये अंदर से चिकन अच्छी तरह पक जाएगा, तो ये देखें जी बहुत टेस्टी बन गए थे, और बाकी भी मैंने उतनी देर में तैयार कर ली थी क्योंकि इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है कुकिंग में ना। तो जब तक ये कुक हो रहे थे तो मैंने बाकी के बना लिए थे। तो यहाँ पे मैं इसको जो है फ्रीज़ कर दूँगी ताकि आगे रमज़ान में भी कभी निकालें और इसको फ्राई कर लें, या बच्चों को फिर जो है आजकल पेपर हैं तो जल्दी जल्दी आप इसको निकालें, फजर की नमाज़ के बाद इसको डीप फ्रीज़र से निकाल लें और जब ये थोड़े से नरम हो जाए तो हल्की आंच पे इसको पका लें। अच्छा जी, रात को मैंने बच्चों को दाल चावल खिलानी थी, तो बच्चों को दाल चावल खिलाना भी बड़ा ही औखा काम है। तो मैंने फिर अपना दिमाग लड़ाया थोड़ा सा, मैंने कहा चलो इनको थोड़ा सा ना साथ कुछ अच्छा सा बना के देती हूँ, कबाब लाइक ना। तो मैंने यहाँ पे आलू लिए, उसमें नमक मिर्च ऐड किए, सिर्फ नमक मिर्च ऐड किया और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। और यहाँ पे जो एग है उसकी सिर्फ शेप आपने ऐसे काटनी है, और आलू लेना है, आलू की टिक्की बनानी है, और इस तरह से आपने इसकी शेप बना देनी है। ज़रा डिफरेंट सा हो जाता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं और हमें भी नई नई चीज़ें करने का मौका मिलता है, तो हम भी किचन में खेलते रहते हैं। माएँ तो मुझे ऐसे रहते हैं किचन में बस खेलती कूदती रहती हैं, कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया, तो बच्चे भी ज़रा हैप्पी हो जाते हैं। और यहाँ पे फिर मैंने एक अंडा लिया और उसमें मैंने जो है ना नमक डाला और कुछ भी नहीं ऐड किया, सिर्फ जो है ना नमक ऐड किया मैंने। और यहाँ पे जो है ये लेस मैंने लिया, इसको मैं एज़ अ ब्रेड क्रम इस्तेमाल करूँगी, इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। आजकल बच्चे मेरे मम्मा पैसे दें लेस लाने, तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा फ्लेवर खा रहे थे, मैंने कहा ले आओ मैं तुहानू इन्हां दा स्नैक बना के खिलावां घर च। तो यहाँ जी मैंने इसको ऐसे क्रश कर लिया, और यहाँ पे जो ब्रेड क्रम्स है वो भी मैंने थोड़े ऐड कर लिए ताकि जो है बहुत सारा जो है ना नमक नमक सा ना हो ना। तो इस वजह से मैंने पहले अंडे में इसको डिप किया कबाब्स को, और फिर मैंने ब्रेड क्रम्स लगा दिया। अच्छा जी, दाल को मैंने तड़का लगाना था, और राइस भी मैं वैसे बॉयल राइस ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन कभी कभी जो है ना मैं तड़के वाले चावल भी बना लेती हूँ। मेरे घर में ज़्यादा जो है ना बॉयल राइस यूज़ खाए जाते हैं। यहाँ मैंने ऑयल में सरसों का ऑयल मैं यूज़ करती हूँ, तो मैंने कड़ी पत्ता और हरी मिर्च और ज़ीरे का मैंने तड़का लगा दिया था। तो बड़ी कड़ी पत्ता भी आप ज़रूर इस्तेमाल किया करें, एक तो वैसे भी सेहत के लिए अच्छा होता है, और वैसे भी इसकी खुशबू, इसका तड़का बहुत ज़बरदस्त होता है। उतनी देर में मैंने सारे रेडी कर लिए थे और अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी। आप यकीन जानेंगे इतने मज़े के बने थे, और बहुत, और इतना कोई मसाला भी मैंने ऐड नहीं किया था। आपके घर में आलू तो माशाल्लाह हर किसी के घर में होते हैं, नमक मिर्च और डाला था, और एग को मैंने ज़रा शेप में काट दिया था, तो बहुत ही अच्छे से ये कबाब बन के रेडी हो गए थे। और लो कॉस्ट बजट में आते हैं तो ये बना लिए मैंने साथ, ताकि बच्चों को दाल अच्छे से हज़म हो जाए। और अच्छा, दाल चावल पकाना हम कहते हैं ना बड़ा इजी होता है, लेकिन आप बिलीव करो उसके साथ जब तक लवाजमत ना ना हो दाल चावल का मज़ा कोई नहीं आता। अच्छा जी, यहाँ पे मैं जो हूँ प्याज जो है हमारे घर में खाई जाती है स्पेशल प्याज, वो ये के हाँ जी ये खट्टी मीठी इमली भी मैंने कहा चलो साथ बच्चे इंजॉय करेंगे। तो यहाँ मैं अपने है अपना नहीं मतलब सब्ज़ी वाले से प्याज लेकर आई, तो प्याज को कट किया, और फिर इसमें मैं ऐड करती हूँ ये पेपरिका पाउडर, और थोड़ा सा सरका मैं हाय अल्लाह सिरका मैं ऐड करती हूँ। एडी वड्डी वीडियो होगी, सिरके दा सरका बन गया। तो जी मैंने ये थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया था ताकि अच्छा सा लुक आए। जैसे आँखों को जो चीज़ अच्छी लगती है उस वो खाने में भी आपको मज़ा देती है, तो अपनी फैमिली को थोड़ा सा डेकोरेट करके खाना सर्व करने से ये होता है कि एक तो आपको खुशी होती है, यार मैंने इसे जाना से जूना आंदा है। खैर ये तो हो गया मजाक, लेकिन मुझे इस तरह से प्रेजेंट करने का बहुत मज़ा आता है। और ये जी मेरी फाइनल प्लेट, आपका कैसा लगा मेरा व्लॉग?